4 लाख पार जी। कितना कितना टोटल वोटर है सीवर लोकसभा क्षेत्र में, जानकारी है जी? चलिए आप बताइए। 6 लाख है, 6 लाख है, बता दे। 18 लाख वोटर है टोटल, ठीक है? 18 लाख वोटर है, 17 लाख, हाँ वही 17-18 लाख वोटर है। और उसके बाद देखिए उसमें से भी आपकी मतलब वैसे समाज से आते हैं, किससे जाते हैं? सोहनी समाज से। सोहनी समाज से आते हैं, कितने परसेंट है जाति गणना में? जाति गणना में तो आप तो देख रहे हैं पूरे बिहार में। अच्छा, जातीय जनगणना से किसको फायदा हुआ, नेताओं को कि पब्लिक को? देखिए जातीय जनगणना से जो है बिहार में आम जनता को फायदा हुआ है। कैसे? देखा है कि आरक्षण जो था उसका कैटेगोरी जो है बिहार में बढ़ाया गया है। अच्छा, आरक्षण बढ़ाने के लिए जातीय जनगणना हुई है। चलिए कुछ और लोगों से भी जानने का प्रयास करते हैं। हम हरियर गमछा ललटेन का एकदम लोगो उगो लगा के एकदम हैंडसम बॉय बने। जिंदाबाद। क्या नाम हुआ आपका? विकास पटेल। विकास पटेल, कहाँ से आए हैं? हम सीहोर से आए हैं। सीहोर से आए, इस बार किनका राजतिलक और क्यों करवाना चाहते हैं? राजतिलक सीहोर से इस बार ऋतु दसवाल का होगा, क्योंकि जो मुखिया रहते हुए जो काम किए उन्होंने बहुत सराहनीय है। अच्छा, और जो दूसरा प्रत्याशी है उसके बारे में पूरा जनता जानती है। क्या जानती है बताइए? आप भी जानते हैं? नहीं नहीं, बताना तो पड़ेगा। हम नहीं भैया, किसी से पूछे उनके बारे में? डरते हैं क्या? हम किसी से नहीं डरते। नहीं डरते तो बताइए। हमारा नेता नहीं डरता तो हम डरेंगे? बताइए क्या क्या जानते हैं? क्या जानते हैं उनका कुआं का पानी क्या क्या सारा कहानी जानते हैं। अच्छा चलिए, क्या नाम हुआ अभी आपका? मोहम्मद। कहाँ से आए हैं? बरगिनिया से। बरगिनिया से आए, सीहोर लोकसभा क्षेत्र से। किनको जिता रहे और क्यों जिता रहे हैं? ऋतु जसवाल। ऋतु जसवाल को जिता रहे हैं। क्या लगता है कि ऋतु जसवाल आएंगे तो किस किस क्षेत्र में आपका विकास हो पाएगा सीहोर जिला का? एक कोरिया हथियारा का परिवार है। अच्छा, एक कोरिया SDM का परिवार है। अच्छा, हम उसको काम से खुश हो के उसको वोट देना चाहते हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम धनंजय सिंह है, मैं सीहोर जिला का युवा जिला अध्यक्ष हूँ VIP पार्टी से। VIP पार्टी से जी। क्या लग रहा है इस बार सीहोर में खेला होगा क्या? बिल्कुल खेला होगा, यह स्पष्ट है। आप देख रहे हैं इतनी भारी जन सलाब है। हाँ। और ऋतु जसवाल जी का जो है जीत जो है सुनिश्चित हो चुका है। लेकिन कहा जाता है, अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन कहा जाता है कि सीहोर लोकसभा क्षेत्र कहीं ना कहीं BJP का गढ़ माना जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा। 15 साल से वहाँ राज कर रही रामादेव है, आप कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, BJP का गढ़ नहीं है इस बार, जो है महागठबंधन का गढ़ बन चुका है और सीहोर से ऋतु जसवाल जी का जीत सुनिश्चित हो चुकी है। सुनिश्चित हो चुका है बिल्कुल, इसमें कोई संदेह। कितने वोट? 100%। स्वागत है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम मोहम्मद अंसार हुआ। कहाँ से आए हैं? हमारे बकुलिया से। बकुलिया से, सीहोर लोकसभा क्षेत्र से, कला पंचायत से। अच्छा, इस बार किनको जीता रहे और क्यों जीता रहे? ऋतु जसवाल से, चारों तरफ से लालटेन जीतेगा। चारों तरफ? चारों तरफ। अरे कुछ लोग तो कह रहे कि लालटेन में तेल बंद हो गया उसका खेल, बिहार में तेल बंद, लालटेन खत्म है, खेल खत्म है। मोदी के उखाड़ के फेंक दिया है, मोदी के उखाड़ के फेंकल जाए। पेंशन मिल रहा है तो जरूर अपन गांड में रखो, मोदी अपन गांड में रखो। पेंशन घर मिला है? कुछ नहीं मिला है। 5 लाख पे अथियो तो मिला है, आयुष्मान कार्ड कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला था, सच बता। लावरा 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 जांच पहुंच जाएगा। मान कर लावरा लावरा मोदी लावरा मोदी लावरा मोदी लावरा मोदी मोदी लावरा। अब 5 लाख मिला है तो क्या हो गया? सारा झूठा पार्टी है। 5 लाख का जो कार्ड मिला है पब्लिक को मूर्ख बनाने में के लिए मिला है। अच्छा, काम नहीं हो रहा है। जिसको जिसको सब केस कर दिया, पब्लिक को रिटर्न भेज देते हैं। एक नजर आई नहीं होगा इधर। 2022 में से लेकर आए थे के वो इंदिरा आवास से मिला है। अरे 2.5 लाख रुपया मिला, क्या बात? कुछ नहीं मिला है, सारा झूठा झूठा। मोदी आया तो कहा मिल का चीनी बनवा के चाय पी के जाएगा, मिल का मिल चला कर चीनी बनवा कर चाय पी के जाएगा मोदी। और उनका राजा मोहन सिंह 60 बीघा जमीन लिखा लिया मोरा का मोहन सिंह। चाय तो नहीं पी रहा है लेकिन जमीन कब्जा जरूर करवा दी। कब्जा करवा दिया। देखिए झूठ बोलिएगा तो ED CBI पहुंच जाएगा। झूठ नहीं करता है ED CBI के काम। ऋतु जसवाल जीतने जा रहा है सीहोर से।